नहीं, हम लोग सब कोई खाना वाना खा के अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ सोए हुए थे। अचानक गोलियों की आवाज़ आई जो हम समझ नहीं पाए। हमको लगा कि बाहर फटे का लड़का लोग सरस्वती पूजा चल रहा है तो वो लोग चला बजा रहे होंगे। मेरे हस्बैंड निकले, जैसे दरवाज़ा खोल के तो देखे कि वहाँ पे गोली गिरा हुआ है। हम लोग का समझ में आ गया कि गोली चल रहा है। दरवाज़ा बंद करके हम लोग अपने बच्चे को लेके बेड के नीचे आ गए। सेकेंड राउंड में फिर गोली चला है जो दरवाज़ा को छेद करते हुए टीवी पे, दीवार पे और जगह जगह पे लगा है। फिर जब गोलियां ख़त्म हुई, सब शांत हो गए, तब हम लोग थाना प्रभारी को फ़ोन किए जो तुरंत आए हम लोग के लिए। फिर वो लोग इंक्वायरी किए, गोली बरामद किए जिसमें दो जिंदा कारतूस भी था जो लोड करने में गिरा था। उसके बाद तो फिर हम लोग का पूरा दहशत का माहौल बन गया। हम लोग सब फैमिली वाले लोग उठ गए, रात में यहीं पे बैठे हुए थे हम लोग एक कोना में, और पूरे रात बच्चे लोग भी रोते रह गए। उन लोग को सही से बिस्तर नहीं मिल पाया, वो लोग भी पूरा हदस गए थे। उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि घर में इस तरह का माहौल क्यों बना हुआ है। और हम लोग भी अभी तक मैंने दहशत में ही है, ना खाना ना पीना, टाइम से कुछ नहीं, सब बस इस तरह हो रहा है। गोली चली तो बच्चे कैसे पलंग के साइड में छिपे? हाँ, बेड के नीचे हम लोग आ गए। जैसे गोली चली ना, बस हम लोग बेड के नीचे आ गए कि गोली चल रहा है तो पता नहीं किस तरह से आ जाएगा। तो दरवाजा तो छेद करते गोली आ ही गई, लेकिन हम लोग बेड के नीचे थे इसलिए बच गए। और डर इस बात का लग रहा था कि अगर वो गोली के बजाय अगर बम या बारूद रहता तो हम लोग तो कोई नहीं बच पाते, मेरे बच्चे भी नहीं रहते, हम लोग भी नहीं रहते। और जैसे 2020 में हमारे घर में एक और कांड हो चुका था हमारे चचा के साथ, उसके फाइल जिस तरह बंद हो गया, हम लोग का भी फाइल बंद हो जाता। दो दिन रहते सबको याद, उसके बाद फिर कुछ नहीं।